हेलो एवरीवन, आई एम रिंकू मेहता फ्रॉम एनपीएस मियांवाली। मैं अपने चैनल रिंकू क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा ये वीडियो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों को बड़े ऊ की मात्रा के शब्द कैसे लिखना व पढ़ना सिखा सकते हैं एक कविता के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है ऊ की मात्रा के शब्द। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ थैंक्स टू ऑल पेरेंट्स जो आप हमारी वीडियोस का इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो भी आपके बच्चों के लिए यूजफुल होगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है देन प्लीज हमें जरूर बताएं ताकि हम अपनी कमी को पूरा कर सकें। और आपको नर्सरी टू सेकेंड तक किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए होती है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक है ऊ की मात्रा के शब्द। सबसे पहले हम ऊ की मात्रा की पहचान देखेंगे और उसका उच्चारण देखेंगे। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है हमारी बड़े ऊ की मात्रा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था छोटे ऊ की मात्रा को बोलते वक्त कम टाइम लगता है, इसी के विपरीत बड़े ऊ की मात्रा को बोलते वक्त ज्यादा टाइम लगता है। ऊंचे स्वर में बोली जाती है और लंबे समय तक बोली जाती है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे स उ र सूर, ह उ र हूर। इसी के साथ विशेष ध्यान दें कि छोटे या बड़े ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है सिर्फ र को छोड़कर। र जो व्यंजन होता है इसमें कभी भी छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, इसमें दाई तरफ लगती है यहाँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता है ऊ की मात्रा की। र आ ज उ राजू, च उ ह आ चूहा, ग य आ गया, ब आ ज आ र बाजार। राजू चूहा गया बाजार, ये मैंने लाइंस लगाई हुई है हिंदी के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था इनसे हम बच्चों की राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में सिर्फ मात्रा लगाते हैं और बीच वाली जो टू लाइंस होती है इनमें हम अक्षरों की बनावट लिखते हैं। ल ए क र लेकर, अ आ य आ आया, च ई क उ चीकू, च आ र चार, ज उ त आ जूता, उ स क आ उसका, थ आ था, ब ड क ई ल आ बड़कीला, फ ई र फिर भ ई भी, उ स क आ उसका, स उ ट सूट, थ आ था, ड ई ल आ दिल्ला। ये थी हमारी बड़ी ऊ की मात्रा की कविता। राजू चूहा गया बाजार, लेकर आया चीकू चार, जूता उसका था भड़कीला, फिर भी उसका सूट था ढीला। इसमें आ की मात्रा के शब्द भी आए हुए हैं, ई की मात्रा के शब्द भी आए हुए हैं ताकि बच्चों को हम पिछली रिवीजन भी करवा सकें। थैंक यू।